पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जयंती के अवसर पर रामपुर स्थित उनके आवास राजमहल परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ब्लॉक कांग्रेस रामपुर द्वारा लगाए गए शिविर का विधिवत शुभारंभ रामपुर के विधायक नंदलाल ने किया। इस रक्तदान शिविर के आयोजन का मकसद पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह द्वारा हिमाचल के विकास और उत्थान में किए गए कार्यों को याद करना था, ताकि उनकी स्मृति लोगों में सदियों तक रहे। हिमाचल के 6 बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का बीते वर्ष निधन हो गया था और उनकी 89वीं जयंती पर पहला स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन रामपुर में किया गया, ताकि लोग उनके योगदान को हमेशा याद रखें। रामपुर के विधायक नंदलाल ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भले ही आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ऐसे महान शख्सियत को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। लेट राजा वीरभद्र सिंह जी का 89th बर्थडे है, आज वो हमारे बीच में नहीं है। हम लोग इस 23rd जून को बड़े धूमधाम से मनाते होते थे। इस बार हमने सिर्फ ये सोचा है कि यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप ब्लॉक की तरफ से लगाया जाए, कि जितने भी यहाँ पर जो डोनर्स हैं, हमें उम्मीद है कि शाम तक एक बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा डोनर्स का, जिससे कि जो नीडी लोग हैं जिनको ब्लड की ज़रूरत है उसको ब्लड को पूरा कर सकें। आज जो है लोग जो है राजा साहब की जो यादें हैं उनको याद कर रहे हैं, उनका दिया हुआ प्यार, उनका किए हुए विकास, उनका दिया हुआ काम, इन सबको याद करने के लिए जो लोग एकत्रित यहाँ हुए हैं। और हम लोग हिमाचल के जो लोग हैं, रामपुर के जो लोग हैं, इसको उनके उनको भुला नहीं सकते। इसीलिए हम हर वर्ष ये इस तरह का जो ब्लड डोनेशन कैंप है, दूसरी एक्टिविटीज उनके बर्थडे पर करते रहेंगे, ये हमारी कमिटमेंट है। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेष नेगी की रिपोर्ट।